आज हम करने जा रहे हैं एक खास तरह का मेडिटेशन। इसे कॉस्मिक मेडिटेशन कहते हैं। इस वीडियो में एक खास तरह का रिलैक्सिंग म्यूजिक है जिसे आप मेडिटेशन स्टडी माइंड एंड बॉडी हीलिंग और साउंड थेरेपी के लिए यूज कर सकते हैं। इस कॉस्मिक मेडिटेशन की टेक्निक को यूज करके हम एक जर्नी पे चलेंगे, एक ऐसी जर्नी जो आपको आपके शरीर से बाहर ट्रेवल कराएगी। हो सके तो इस वीडियो को एकांत में देखें। आइए शुरू करते हैं। कॉस्मिक मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप है आपको आपके शरीर के बाहर के नेचर से कनेक्ट करना। इस नेचर का क्रिएट किया हुआ हर एक साउंड हमारे लिए बहुत रिलैक्सिंग होता है, हमें बहुत सुकून देता है। ये नेचर के बनाए हुए साउंड वेव्स, जिसमें कोई भी ह्यूमन टच नहीं होता है, जिसमें कोई भी आर्टिफिशियलिटी नहीं होती है, ये जब आपके बॉडी के थ्रू पास होती हैं तो आपको भी इस नेचर से कनेक्ट कर देती है। थोड़ी देर के लिए अपने लाइफ्स में इन्वॉल्व्ड सारी आर्टिफिशियलिटी को भूलने की कोशिश करें। एक गहरी सांस लेकर मन में हो रही उथल पुथल और हलचल को शांत होने का मौका दें। इस ब्यूटीफुल म्यूजिक के थ्रू खुद को रिलैक्स होने दें, खुद को कनेक्ट होने दें इस नेचर से। ये रियलाइज करने की कोशिश करें कि आप भी तो नेचर ही हैं, आप नेचर से अलग कहां हैं। इसी प्रकृति ने खुद की तरह आपको भी बनाया है। आपके अंदर भी प्रकृति है और आपके बाहर भी। आपकी बॉडी इस नेचर से अलग कहां है, वो तो एक सीमलेस तरीके से इस नेचर से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, खुद में इस नेचर को लिए हुए है। गहरी सांस लें और अपने माइंड को रिलैक्स होने दें, मन को शांत होने का मौका दें, उसे स्थिर होने दें। जैसे जैसे आपका माइंड रिलैक्स होता जा रहा है, आप धीरे धीरे उस मेडिटेशन की स्टेट में आ रहे हैं। आप धीरे धीरे शरीर के बाहर के नेचर को अपने शरीर के अंदर ही फील कर पा रहे हैं। आपको एक सीमलेसनेस का एहसास हो रहा है और आप लाइट फील कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं। धीरे धीरे गहरी सांसें लें। ऑक्सीजन जो इस नेचर में भरपूर मात्रा में है, जो ये पेड़ पौधे प्रोड्यूस करते हैं, उसे इनहेल करें, अपने बॉडी के अंदर जाने दें, ताकि ये आपकी बॉडी के अंदर से आपको प्यूरिफाई कर सके। अपनी बॉडी को बिल्कुल ही रिलैक्स स्टेट में आने दें और स्लो और फुल ब्रीदिंग करें। धीरे धीरे लंबी और गहरी सांसें लें। आप धीरे धीरे फील करेंगे कि इस नेचुरल कनेक्शन की वजह से आपके बॉडी के हर एक सेल में एक खास तरह की एनर्जी आ गई है। आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल, लाइट और फोकस्ड फील कर पा रहे हैं। आप धीरे धीरे अपनी बॉडी पे ग्रेविटी को भी फील कर पा रहे हैं। इस प्लेनेट में छुपी इनफाइनाइट एनर्जी भी आपके आसपास ही है। आप धीरे धीरे अपने शरीर के बाहर की प्लेनेटरी एनर्जी को भी फील कर पा रहे हैं। आप अपने शरीर से बाहर निकल चुके हैं। अपने शरीर के बाहर हो रही हर एक एक्टिविटीज को अपने अंदर ही फील कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आप अपने शरीर के बाहर के नेचर की ही नहीं, इस प्लेनेट के बाहर एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल बॉडीज को भी, उनकी प्लेनेटरी इन्फ्लुएंसेस को भी फील कर पाएंगे। धीरे धीरे आप इस यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं। आपका दिमाग एक पोर्टल की तरह बाहर के यूनिवर्स से आपको कनेक्ट कर रहा है। आपका शरीर यूनिवर्स में एग्जिस्टिंग उन प्लेनेटरी इन्फ्लुएंसेस को भी फील कर पा रहा है। अर्थ के बाहर के ये प्लैनेट्स और स्टार्स आपके बॉडी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और आपसे एक तरह का कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आउटर कॉस्मोस के प्लेनेटरी इन्फ्लुएंसेस भी आप धीरे धीरे फील कर पा रहे हैं।
धीरे धीरे आप इसके नेचर को भी फील कर पा रहे हैं और इसका फॉर्म जो कि पूरी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट है उसे भी फील कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। आपकी बॉडी में ऐसी बहुत सारी कैपेबिलिटीज हिडन है जो आपको बाहर के कॉस्मोस से और इनके एनर्जी नेटवर्क से कनेक्ट कर सकती है। आप धीरे धीरे इस बाहरी कॉस्मोस में सेटल डाउन हो रहे हैं, अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स्ड, बहुत पावरफुल और बहुत लाइट फील कर रहे हैं। आप उस स्टेट में आ चुके हैं जब आप अपनी बॉडी से कनेक्टेड भी हैं और फ्री भी। जब आप अपनी बॉडी के बाहर कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, इस यूनिवर्स की इमेंस पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जब आप खुद से इतना दूर आ चुके हैं तब आपको ये रियलाइज हो रहा है कि इस कॉस्मोस में और आप में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये कॉस्मोस आप ही हैं। आप अपनी बॉडी से और अर्थ से बहुत दूर आ चुके हैं, एक ऐसे रेल में जो पूरी तरह से अननोन है। ये स्पेस की एक ऐसी जगह है जहां दूर दूर तक आपको प्लैनेट्स और स्टार्स दिख रहे हैं लेकिन आपके आसपास कुछ भी नहीं है। आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं और फ्री हैं। आपका एग्जिस्टेंस सिर्फ आप ही हैं। आपका एग्जिस्टेंस सिर्फ आपसे ही जुड़ा है, न कोई कनेक्शन और ना ही कोई एसोसिएशन, सिर्फ और सिर्फ आप। आप इस कॉस्मोस से बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं और ये कॉस्मोस आपके एग्जिस्टेंस से बहुत कंफर्टेबल स्टेट में आ चुका है। आपके थ्रू ये यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, आपके थ्रू ही ये यूनिवर्स खुद को फील कर पा रहा है। आपको रियलाइज हो रहा है कि इस यूनिवर्स में जो भी कुछ आप देख पा रहे हैं वो सब इस यूनिवर्स की एनर्जी का एक एक्सप्रेशन ही है और आप भी इस यूनिवर्स का एक एक्सप्रेशन है। आपकी बॉडी और इस यूनिवर्स का सारा मटेरियल एग्जिस्टेंस इस यूनिवर्स का एक एक्सप्रेशन है, इसका एक इल्यूजन है, इसका एक सपना है। ये यूनिवर्स एक सपना ही तो देख रहा है। यानी अब आप इस मटेरियल के बियॉन्ड उस यूनिवर्स को धीरे धीरे समझ रहे हैं, धीरे धीरे आप उसे फील कर पा रहे हैं और आप रियलाइज कर रहे हैं कि आपके अंदर, आपके बाहर, हर जगह यूनिवर्स उसी एक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वही एक यूनिवर्स का रियल फॉर्म है। और ये यूनिवर्स आपको हर वो चीज फील कराता है जो ये खुद फील करना चाहता है। अब हम इस यूनिवर्स में और भी डीप ट्रेवल कर रहे हैं। आपकी बॉडी सीमलेसली और एफर्टलेसली इस यूनिवर्स में आगे ट्रेवल करती जा रही है। और इसके नेचर को एक्सप्लोर करती जा रही है। आप धीरे धीरे यूनिवर्स के उस पार जाते जा रहे हैं। आप मेडिटेशन के सेकेंड स्टेज में पहुंच चुके हैं। आपको रियलाइज हो रहा है कि आपकी बॉडीज में इतनी सारी इमेंस पावर्स हैं।
और आप इन्हीं पावर्स को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। आपको रियलाइज हो रहा है कि आप एक ऐसी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं जो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं आती। आप उन गैलेक्सीज को ना सिर्फ देख पा रहे हैं बल्कि उनमें छुपी एनर्जीज को फील भी कर पा रहे हैं। आप रियलाइज कर रहे हैं कि आपका एग्जिस्टेंस इन गैलेक्सीज से भी बड़ा है। शायद आपको ये रियलाइज हो रहा है कि आप इस यूनिवर्स को नहीं खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप इस यूनिवर्स में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं बल्कि आप खुद में ट्रेवल कर रहे हैं। आप ये जो इनफाइनाइट स्पेस अपने चारों ओर देख रहे हैं, ये यूनिवर्स नहीं है, ये आप खुद हैं। आपको रियलाइज हो रहा है कि शायद आप यूनिवर्स जितने ही बड़े हैं। आपके अंदर भी उतनी ही पॉसिबिलिटीज हैं, उतनी ही एनर्जी है जितनी इस पूरे यूनिवर्स में है। शायद ये पोर्टल आपको यूनिवर्स से नहीं बल्कि खुद से कनेक्ट कर रहा था। इस पूरी जर्नी में आप अपने शरीर से बाहर निकल करके इस नेचर को एक्सप्लोर कर पाए हैं और इस यूनिवर्स को भी एक्सप्लोर कर पाए हैं, इस कॉस्मोस में छुपी एनर्जीज को फील कर पाए हैं, इसके प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस को समझ पाए हैं। इस जर्नी में आप यूनिवर्स के हर एक एक्सप्रेशन को समझ पाए हैं। और अपने शरीर से, अपने प्लैनेट से बहुत दूर ट्रेवल करने के बाद, एक अलग ही रियल में जाने के बाद, आपको ये रियलाइज हुआ है कि आप इस यूनिवर्स में नहीं बल्कि खुद में ट्रेवल कर रहे थे, खुद को एक्सप्लोर कर रहे थे और खुद की एनर्जीज को फील कर रहे थे। मेरे साथ डीप ब्रीदिंग कंटिन्यू करें। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल अगेन, एक्सहेल अगेन। कंटिन्यू। आप अपने बॉडी के हर एक सेल को फील कर पा रहे हैं। आपके हर एक सेल में उतनी ही एनर्जी छुपी है जितनी इस पूरे यूनिवर्स में है। आपके बॉडी के हर एक सेल को क्रिएट करने के लिए पहले इस यूनिवर्स ने खुद को क्रिएट किया। ये यूनिवर्स आपके बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये यूनिवर्स पूरी तरीके से आपके एग्जिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। एक तरह से इस यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस आप ही हैं। आपके जरिए से ये यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, खुद को फील कर रहा है, खुद को एंजॉय कर रहा है। मेरे साथ ब्रीदिंग कंटिन्यू करें।
अपनी आंखें बंद करके अपने मन के अंदर झांकने की कोशिश करें। अब आप अपने शरीर से बाहर ट्रेवल करके वापस आ चुके हैं। अपने मन के अंदर आप उन्हीं गैलेक्सीज, उन्हीं स्टार्स और उन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज को दोबारा देख पा रहे हैं। आपकी बॉडी में एक अलग सी एनर्जी आ चुकी है। आप अपने उस हिडन पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाए हैं। आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। आप अपने बॉडी के हर एक सेल्स को रियलाइज कर चुके हैं और आप अपने ब्रेन को पहले से कहीं ज्यादा यूज कर पा रहे हैं। आप अचानक से रिक्रिएट और इवॉल्व हो चुके हैं। आप पहले से कहीं ज्यादा एलिवेटेड स्टेट में आ चुके हैं। इन एक्चुअलिटी आप खुद को डिस्कवर कर चुके हैं और ये सेल्फ डिस्कवरी ही इस मेडिटेशन की थर्ड स्टेज है। कॉस्मिक मेडिटेशन कॉस्मोस को एक्सप्लोर करना नहीं है, ये खुद को एक्सप्लोर करना है, खुद के अंदर पूरी यूनिवर्स को ढूंढना है, इस यूनिवर्स को खुद में ऐड करना है, यानी इस यूनिवर्स का योग खुद से करना, इसी को कॉस्मिक मेडिटेशन कहते हैं। इस मेडिटेशन में डीप ब्रीथिंग इन्वॉल्व थी, खुद को ऑक्सीजनेट करना, ऑक्सीजन को अपने बॉडी के हर एक सेल में भरना, अपने बॉडी के बाहर के नेचर से कनेक्ट होना, अपने माइंड को शांत करना, आर्टिफिशियलिटी और सारे थॉट्स से खुद को दूर करना, धीरे धीरे इस नेचर से भी ज्यादा दूर ट्रेवल करना, यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना, एस्ट्रल डिमेंशन में जाना और फाइनली रियलाइज करना कि ये यूनिवर्स आप ही हैं, यानी इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के जरिए आप खुद को ही एक्सप्लोर कर रहे थे। ये सारी चीजें इस कॉस्मिक मेडिटेशन में इन्वॉल्व हैं। ये एक खास टेक्निक है साउंड थेरेपी को यूज करके, यानी एक खास तरह के म्यूजिक को यूज करके खुद को प्योरीफाई और हील करने की, खुद को इल्यूजन से डीएसोसिएट करने की और अपने सेल्फ को इस यूनिवर्स में फ्रीली सस्पेंड करने की, अपने ब्रेन के लगभग इनफाइनाइट स्ट्रक्चर से इस कॉस्मोस के लगभग इनफाइनाइट स्ट्रक्चर को मैप करने की। ये एक टेक्निक है सेल्फ रियलाइजेशन की और सेल्फ हीलिंग की। होपफुली इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो, आपको कॉस्मिक मेडिटेशन की स्टेट में पहुंचाने की कोशिश की हो। आप इसे आगे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में एक खास तरह का रिलैक्सिंग म्यूजिक यूज किया गया है। ये म्यूजिक आपको स्टडी, योगा, सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन और साउंड थेरेपी में हेल्प कर सकता है। ऐसे रिलैक्सिंग म्यूजिक कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है। आप भी इस खास म्यूजिक को अपने लिए यूज कर सकते हैं। इसका लिंक ऊपर आई बटन में और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रहे, इस रिलैक्सिंग म्यूजिक लिंक में नरेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक है जिसे आप अपने तरीके से अपने पर्पस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉस्मिक मेडिटेशन की टेक्निक हेल्पफुल लगी हो, आपको लगा हो कि आप डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से दूर कर पाए हैं और खुद को ज्यादा गहराई से एक्सप्लोर कर पाए हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में जरूर शेयर करें। आप इस छोटी सी कॉस्मिक जर्नी पे थे कुमार प्रियांशु के साथ और ये है ट्रुथ बियॉन्ड यूनिवर्स। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।
with yourself and with the universe. Goodbye.